नेक्स्ट जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का मॉडल आता है सैंडविच और यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल के बाद में, वो होगा फ्लूड मोज़ेक मॉडल। इसको सिंगर और निकोल्सन ने दिया था 1972 के अंदर, इसलिए हम इसको सिंगर और निकोल्सन का मॉडल भी बोलते हैं। इसमें भी जो हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो प्रोटीन एंड फॉस्फोलिपिड से ही बनी हुई है। इसमें क्या बोल दिया गया कि प्रोटीन अल्फा ग्लोबुलर है। सैंडविच में बोला गया था अल्फा, फिर यूनिट मेम्ब्रेन में बोला गया बीटा, और फिर से बोल दिया गया अल्फा ग्लोबुलर। और इसको दो, मतलब ये जो अल्फा ग्लोबुलर प्रोटीन है इसको दो में डिवाइड किया है, एक होता है इंट्रेंसिक प्रोटीन और एक बोला गया एक्सट्रेंसिक प्रोटीन। इंट्रेंसिक को हम इंटीग्रल प्रोटीन भी बोल सकते हैं और एक्सट्रेंसिक को पेरीफेरल प्रोटीन भी कह सकते हैं। वही है सेम कि फॉस्फोलिपिड एम्फीपैथिक नेचर का, यानी कि हाइड्रोफिलिक हाइड्रोफोबिक दोनों पार्ट होंगे। फिर से बता देती हूँ, योगा हाइड्रोफिलिक वाला पार्ट, योगा हाइड्रोफोबिक वाला पार्ट। फॉस्फोलिपिड बायलेयर, मतलब दो लेयर प्रेजेंट होंगी फॉस्फोलिपिड की, एक ये हो गई एक ये हो गई, तो ये दो लेयर हो गई तो ये बायलेयर हो गया। थिकनेस हमें यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल में बता दी थी कि 75 एमस्ट्रॉन्ग और 100 एमस्ट्रॉन्ग इसकी थिकनेस होती है। फिर इसमें प्रोटीन और फॉस्फोलिपिड का रेशियो भी दे दिया गया जो होगा 5:5। इसमें दो मूवमेंट भी एक्सप्लेन किए गए, एक है ट्रांजिशन मूवमेंट, एक है फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट। ट्रांजिशन होता है कि सेम लेयर में अगर कोई मूवमेंट हो रहा है तो वो हो गया ट्रांजिशन मूवमेंट, और अगर दो लेयर्स के बीच में कोई मूवमेंट हो रहा है तो वो होगा फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट। फिर इसके अंदर बोल दिया गया कि जो प्रोटीन और जो लिपिड्स हैं, मतलब जो ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड है, कोवेलेंटली एक दूसरे से बॉन्डेड होते हैं, जुड़े होते हैं। फिर हाइड्रोफिलिक जो रीज़न होता है ये हेड वाला होता है, मैंने आपको बता दिया। इलेक्ट्रिकली ये चार्ज होता है और एसोसिएट होता है पोलर वाटर मॉलिक्यूल से, यानी कि वाटर की जो ये वाला हमारा हाइड्रोफिलिक जो पार्ट होगा ये वाटर को अंदर आने देगा, लेकिन जो हाइड्रोफोबिक पार्ट होगा वो क्या होता है वाटर, ये मैं आपको बता देती हूँ कि वाटर हीटिंग होता है, यानी कि इसीलिए यही कारण होता है ये पानी को अंदर नहीं जाने देता। ये तो पानी की एंट्री करा देगा लेकिन ये नहीं कराएगा, इसलिए वाटर मॉलिक्यूल्स के दोनों पास नहीं होने देंगे। फोबिक रीज़न ये लंबा होता है, ये देखिए ये वाला जो रीज़न है ये लंबा है, ठीक है, नॉन पोलर होता है, वाटर की एंट्री नहीं कराता और वाटर में डिसॉल्व नहीं होता। और ये हो गया हमारा सिंगल और निकोल्सन मॉडल का डायग्राम। ये कुछ इसमें स्पेसिफिक चैम्बर्स बना दिए हैं, ये फिर हमने अलग अलग साइट्स बना दिए हैं यहाँ पे, ये हमने लिपिड की बाई लेयर बना दी है। तो ये हो गया हमारा सिंगल निकोल्सन मॉडल।